गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हाइड्रोजन डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन में आप लोग क्या इनको पहचान रहे हो? चलो, हाइड्रोजन से इनका बड़ा रिलेशन है, कोई भी बताएगा कौन है ये? कौन है ये? हेनरी कैवेंडिस। ही इज हेनरी कैवेंडिस। ओके, हेनरी कैवेंडिस ने 1766 में हाइड्रोजन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। यूं तो बोला जाता है कि रॉबर्ट बॉयल 1671 में हाइड्रोजन गैस को बना दिए थे। वो आयरन का रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट एसिड से करवाते थे, तो एक गैस बना था, बट उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि वो गैस कौन सी है। हेनरी कैवेंडिस ने पहली बार आइडेंटिफाई किया हाइड्रोजन को 1766 में। ओके, तो चलिए, हाइड्रोजन एक ऐसी एलिमेंट है जिसमें कौन सी पार्टिकल नहीं होती, कौन बताएगा मुझे? द ओनली एलिमेंट विथ एक सब पार्ट एटॉमिक पार्टिकल जो उसके अंदर में नहीं होता है, कौन सी? अरे बेटा, न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर में न्यूट्रॉन नहीं होती है। नो न्यूट्रॉन। ओके, नो न्यूट्रॉन। अब उसके अलग अलग आइसोटोप है, वो छोड़ो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 1H1 का बात कर रहा हूं, ठीक है ना? गॉट इट? जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होती। अब देखिए, हाइड्रोजन इट इज अ एटमिसिटी गैस की क्या होती है, जल्दी बताना। डायटमिक यार, है ना? ये एक डाई एटमिक गैस है जो दो एटम्स होती है इसकी मॉलिक्यूल्स में। हाइड्रोजन का सिंबल आपको मालूम है, एच इसकी सिंबल होती है, एंड यदि इसकी मास की बात की जाए तो इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1/12 कार्बन 12 एटम। तो मतलब वन एटमिक मास यूनिट बोल सकते हैं इसकी मास होती है, या वन यूनिफाइड मास आप बोल सकते हो। ओके, तो ये हाइड्रोजन की मास है, थोड़ा एग्जैक्ट देखना चाहो तो 1.0079 यू बोल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, हाइड्रोजन में और आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियडिक टेबल में यदि हम लोग बात करें, ओके, देखो, हाइड्रोजन जो है ना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखे तो, एज पर एटॉमिक नंबर यदि देखा जाए तो क्या आपको लगता है, हाइड्रोजन की पोजीशन गलत है कि सही है? सही है ना, एटॉमिक नंबर से पहली पोजीशन पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो पहला पोजीशन पे। ओके, बट आपको मालूम है कि पीरियडिक टेबल में अरेंजमेंट जो है, पीरियडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है, इट इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यहां पे प्रॉपर्टीज भी मैच होनी चाहिए, है ना? पीरियडिक टेबल में प्रॉपर्टीज का भी मैच होना बहुत बड़ा बात होता है। बट हाइड्रोजन की मानते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से मिलते हैं, बट ये भी आप जानते हो, ग्रुप 17 से भी हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिलता है, दैट इज द हैलोजन्स ग्रुप। तो अब लफड़ा फंसता है कि पीरियडिक टेबल जो बनाया गया, ये बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रहते हैं, तो कहानी तो फंस रहा है ना, हाइड्रोजन को कहां रखा जाए? तो बहुत सारे पीरियडिक टेबल में आप देखोगे कि हाइड्रोजन को ना ही ग्रुप 1 में रखता है, ना ही ग्रुप 17 में रखता है, वो क्या करता है, बीच में रख देता है, एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन, मतलब बीच में, मतलब 1 से भी प्रॉपर्टी मिल रहा है, 17 से भी प्रॉपर्टी मिल रही है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हाइड्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मिलती है। ओके, देखिएगा, एल्कली मेटल्स के जैसा जिसके आउटर मोस्ट सेल में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होती है, हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल, तो प्रॉपर्टी मिली ना एल्कली मेटल से। आप देखो क्या होता है, एल्कली मेटल की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो लूज करे 1 इलेक्ट्रॉन। एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यूनि पॉजिटिव आयन बनाता है, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटासियम पॉजिटिव एक्सेट्रा। उसी प्रकार आपको मालूम है ना, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन्स बनाता है,
हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस आयन बना सकता है, तो मिलता है प्रॉपर्टी। अब हाइड्रोजन ग्रुप वन मेटल के जैसे ऑक्साइड्स बना रहे हैं, Na2O, देखो हाइड्रोजन भी H2O, NaCl हाइड्रोजन भी हैलोजन्स के साथ HF, Na2S मेटल सल्फाइड्स, एल्कली मेटल सल्फाइड्स, फॉर्मूला क्या होगा Na2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S। मिल रहा है एल्कली मेटल से प्रॉपर्टी, है कि नहीं? डिफरेंस एल्कली मेटल से, देखो एल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। यदि आयोनाइजेशन एनर्जी वन की बात करें हम लोग, तो 520 किलो जूल पर मोल होती है। पहला इलेक्ट्रॉन लिथियम से निकालना काफी आसान है, नॉट मच एनर्जी, 520 किलो जूल पर मोल हम एनर्जी दे रहे हैं, ओके। बट वहीं हाइड्रोजन की बात करें भैया, तो बहुत हाई, 12 किलो जूल पर मोल, कंपैरेटिवली बहुत हाई है, ओके। तो इतनी हाई होना, ये तो एल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल वाला बात होता है कि आसान वाला बात होता है, आसान वाला बात होता है। तो हाइड्रोजन से तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल वाली बात होती है। तो 1s इलेक्ट्रॉन जो है बेटा हाइड्रोजन का, क्या वो बहुत छोटी साइज है, बहुत छोटी साइज है। तो आपको मालूम है एस वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पेनेट्रेटेड रहते हैं न्यूक्लियस के प्रति, तो उसको निकालना तो बहुत मुश्किल है। और एल्कली मेटल की साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ी होती है। बट हम लोग देखते हैं कि H प्लस आयन जो देख रहे हो ना, उसकी साइज क्या है, काफी छोटी है, 1.5 × 10⁻³ पाइकोमीटर्स। और एल्कली मेटल आयन इतने छोटे नहीं होते, ओके, इतने छोटे नहीं होते एल्कली मेटल आयन, समझिए बात को। तो साइज भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो एल्कली मेटल से तो भैया डिफरेंस तो बहुत सारे। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ग्रुप वन में आप रख दोगे तो वाजिब बात नहीं होगी, क्योंकि पीरियडिक टेबल को बनाया क्यों गया था, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक जगह रख, तो वो तो कहानी मिल नहीं रही है ना, ओके। अब हेलोजन के साथ रिश्ता देखो इसका कैसा है। हेलोजन के साथ यदि हम देखें बालक लोग, तो हेलोजन की कॉन्फिग्रेशन NH2NP5 होती है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें तो क्या होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हैलोजन्स की। हाइड्रोजन का भी तो वही कहानी है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को बताओ, एक ही होने चाहिए, 1s2 बन जाएगा। तो हैलोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो स्टेबल हो जाता है। H- कॉन्फ़िगरेशन में वो स्टेबल रहता है जो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है, है ना, नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के जैसा बन जाता है, जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको मालूम है एल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी हैलोजन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होती है। इन द सेम वे हाइड्रोजन का भी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी हाई है। तो देखो एल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम था तो वो वाला प्रॉपर्टी उससे नहीं मिल रहा था, तो हैलोजन से ये वाला प्रॉपर्टी मिल रहा, तो रखो आप इसको ग्रुप 17 में, है ना। तो दोनों से प्रॉपर्टी मिल रहा है, दोनों से प्रॉपर्टी नहीं भी मिल रहा, तो यही लफड़ा वाला बात है हाइड्रोजन के साथ। डायटमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपको मालूम है ग्रुप 17 के अक्सर एटम्स जो है वो नेचुरली डायटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना। जिस तरह आपको मालूम है, जैसे कि मैं आपको बताऊं ग्रुप 17 की यदि मैं बात करूं, CCl4 बनता है ना, ओके, हैलाइड्स बनाता है ना कार्बन के साथ, कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ती है तो चार CCl4, वैसे ही हाइड्रोजन भी जुड़ता है तो चार जुड़ता है। तो प्रॉपर्टीज तो काफी मिल रही है, काफी प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मिल रही है, बट उधर से भी ना मिल रहा है, ओके, बट हेलोजन से डिफरेंस भी है। हेलोजन काफी रिएक्टिव होती है, मालूम है ना, हेलोजन आर वेरी रिएक्टिव, और वही हाइड्रोजन क्या लगता है आपको, उतना रिएक्टिव है नहीं, लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू हेलोजन, है ना। हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन फटाक से गेन करना चाहता है, बट हाइड्रोजन आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत लेस होती है, बहुत कम होती है। तो हाइड्रोजन का यूनिक बिहेवियर बोलो
या बोलो कि भैया उससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, उससे नहीं भी मिल रहा है, इससे नहीं भी मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्टली पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को बोलते हैं तू अलग से रह, तू बीच में रह, है ना। तो हाइड्रोजन की पोजीशन हम लोग यदि बताया जाए तो उसको बीच में रख दिया जाए तो बेटर, अच्छा है कि ग्रुप 1 से भी प्रॉपर्टी मिल रही है, ग्रुप 17 से भी मिल रही है, ठीक है ना। चलिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो इससे क्वेश्चन सेट होते हैं, क्वेश्चन इस बार भी सेट हुआ है। ओके, इस बार लास्ट ईयर आपके जो मेंस एग्जाम हुए हैं उसमें, लास्ट ईयर क्या यार, लास्ट ईयर कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड फेज में जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आई है रेडियो एक्टिव के बारे में, कौन सा सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, तो ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा रेडियो एक्टिव है आपका ट्रिटियम। ओके, बाकी 2 रेडियो एक्टिव नहीं होती है, अबंडेंस के मामले में सबसे हाई यही है, 99.99% के आसपास। आप देख लीजिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन का, ये प्रोटियम की है, ओके ओके 1H1, ये ड्यूटेरियम की और ये ट्रिटियम की, 3 आइसोटोप होती है ना, दिखा रहा था ना अभी चार्ट में, पहले 3 आइसोटोप, प्रोटियम जिसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है दिस वन, बाकी सब आपको कुछ नहीं, मतलब वो सब कोई इंपॉर्टेंट की चीज नहीं, बट ये ध्यान देना, देखो HH बॉन्ड और DD बॉन्ड, गौर करोगे तो HH बॉन्ड 435.88 किलो जूल प्रति मोल बॉन्ड एंथैल्पी है, इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, बट वही डीडी बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एच एच बॉन्ड क्या होती है, वीकर देन डीडी बॉन्ड, ये पूछा जा सकता है, ये सब क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन आ सकती है, वीकर देन डीडी बॉन्ड होती है, ओके ये दिमाग में रखिएगा। लैब प्रिपरेशन में आ जाए तो आपको मालूम है हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग नॉर्मली जिंक मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जिंक मेटल को यदि छोटे छोटे जिंक मेटल के टुकड़े ले लेंगे, टुकड़ा लेने से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, फास्ट होती है रिएक्शन, तो जिंक को यदि आप किसी भी एसिड से ट्रीट करती हो तो उसके एच प्लस से ये रिएक्शन करता है और क्या होता है, रिप्लेस करता है उसको, और ZnSO4+H2 हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। ओके, और हाइड्रोजन गैस को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, देख रहे हो हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जा सकता है, ओके वाटर के ऊपर, तो ये लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ओके, कॉमर्शियल प्रिपरेशन देखा जाए तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, ओके और वाटर को थोड़ा सा क्या एसिडिक बनाया जाता है, थोड़ा सा एसिड डाल के ताकि कल इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो, तो हाइड्रोजन की यदि इलेक्ट्रोलाइसिस होती है बालक गण, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन निकलती है। ओके, इलेक्ट्रॉड कौन सा यूज करना है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रॉड यूज किया करो। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रॉड आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। दूसरा, बहुत हाई प्योरिटी, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, हाई प्योरिटी हाइड्रोजन आपको चाहिए, नियरली 99.95% से भी ऊपर प्योरिटी चाहिए आपको, तो आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो यूजिंग निकल इलेक्ट्रॉड, दिमाग में रखिएगा, यूजिंग निकल इलेक्ट्रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, शायद निकल जो लिखा हुआ वो छिप रहा है मेरे से, बट मैं लिख दे रहा हूं, यूजिंग निकल इलेक्ट्रॉड, निकल इलेक्ट्रॉड्स का इस्तेमाल करके आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या मिल सकता है, प्योर हाइड्रोजन मिल सकता है, ये दिमाग में। ओके, तो ये क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ओके, ये इंडस्ट्रियली देखो ध्यान से देखना, मैं जो बात बोल रहा हूं, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल प्रिपरेशन मतलब लार्ज स्केल में प्रिपरेशन, लैब में प्रिपरेशन, ठीक है ना, और इंडस्ट्री में प्रिपरेशन, मतलब इंडस्ट्री में अक्सर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ब्राइन मालूम है ना, एक्वस सॉल्यूशन, NaCl की कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं।
अब देखो इस इलेक्ट्रोलाइसिस में इक्वेशंस याद है आप होना चाहिए आपको। देखो आयन्स कौन कौन रहेंगे, Na प्लस रहेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में तो मैं नहीं घुसूंगा, पर आप समझ लो कि कौन कौन से आयन रहेंगे और कौन कौन से आयन डिस्चार्ज करेंगे। NaCl एक्वस रहेगी, तो Na प्लस Cl माइनस। वाटर रहेगा, तो वाटर का H प्लस और OH माइनस नॉर्मली इस तरह पढ़ा दिया जाता है, बट वाटर खुद ही रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखता है, पर चलो इसी तरह हम लोग समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम बात है। Na प्लस और Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस, ये सब आयन है। ओके अब Na प्लस H प्लस ओके कहाँ जाएगा, पॉजिटिव आयन है तो कैथोड की तरफ जाएगी भैया, है ना। पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी। Na प्लस और H प्लस गया कैथोड की ओर, और Cl माइनस और OH माइनस आ गई एनोड की। अब प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज में Cl माइनस और OH माइनस में Cl माइनस डिस्चार्ज होगी पहले। ओके Cl माइनस क्या होगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन गैस बन के लिबरेट होगी। ओके आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं इसमें। क्लोरीन गैस बन के एनोड पे रिलीज होगा और Na प्लस और H प्लस के मुकाबले H प्लस दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बन के लिबरेट हो जाएगी। ओके कहां पे, कैथोड पे। तो इस प्रोसेस में आपको हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। देखो हमारा मेन मकसद होता है इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना। ओके ये आपको मालूम होना चाहिए, एंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में रहती है जो एल्कलीन रहती है, तो मेन मकसद हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना, इसलिए इस प्रोसेस को कभी काल क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला गया। क्या बोला गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला गया। क्लोर एल्कली क्यों, क्योंकि क्लोरीन भी प्रोड्यूस होती है, एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है, ध्यान रहेगा। हाँ समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े होगे आप लोग। अब आ जाओ कॉमर्शियल प्रिपरेशन में, और देखा जाए तो कोयला, कोयला के ऊपर से यदि वाटर पास किया जाए, स्टीम, वाटर नहीं स्टीम पास किया जाए एट एलिवेटेड टेम्परेचर निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलती है, जिस मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है, जिस मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। ओके डिटेल्स में मैं बताऊंगा आपको इन सब के बारे में, ध्यान से पहले देख लो, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ओके कोक मतलब कोयला के ऊपर स्टीम पास किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिक्सचर मिलती है, तो हाइड्रोजन बन रहा है भैया यहाँ पे। ओके बट इस मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, इसकी काफी यूजेस हैं। ओके देखो और एक तरीका है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को वाटर के साथ इन द गैसियस स्टेट ट्रीट करोगे तो आपको वही प्रोडक्ट मिलती है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ CO प्लस 2 एन प्लस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके Like, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, मीथेन यदि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो CO प्लस H2 वही वाटर गैस मिल रहा है, got it? समझ गए। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछी जा सकती है, व्हाट इज वाटर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, और ये मिक्सचर बहुत सारे चीजों को सिंथेसाइज करने में यूज होता है, बहुत सारे चीज बनाने में यूज होता है, जैसे कि मिथेनॉल और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारे चीजें इससे सिंथेसाइज की जाती है, बनाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग कभी काल सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस सिन वर्ड यूज कर लेते हैं तो सिन गैस बोलते हैं। ओके और यदि आप कोयला के मदद से सिन गैस बना रहे हो, मतलब CO प्लस H2 का जो मिक्सचर बना रहे हो, तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं प्रोड्यूस करना, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी प्रोड्यूस की जा रही थी तो वैसे नहीं प्रोड्यूस करना, आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, कोयला के साथ सी के साथ, सी के ऊपर यदि स्टीम पास करते हैं और हम लोग ये मिक्सचर CO और H2 के मिक्सचर बनाते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, याद रहेगा ना, सिंपल सी चीज है। देखिए देयर इज एन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, देखो वाटर गैस CO प्लस H2O की मिक्सचर वाटर गैस हो गई, ठीक है ना, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ध्यान से देखना, CO प्लस H2O का मिक्सचर को बोले वाटर गैस, ठीक है ना, देख रहे हो ना, इसको वाटर गैस भी बोल सकते हो या इसको सिन गैस भी बोल सकते हो, किसको, ये वाले मिक्सचर को, ठीक है ना, भूलना मत।
अब क्या करते हैं हम लोग, इसको शिफ्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर को। ध्यान से देखना ये वाला, ध्यान देखना, ये मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। देखो ध्यान से देखना, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन क्रोमेट के प्रेजेंस में 673 केल्विन पे यदि हम लोग इसको ट्रीट करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिक्सचर मिलती है। ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ध्यान है ना, देखो ये वाले इक्वेशन याद आ रहे हैं ना आप लोगों को, CO और H2 के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोले, CO H2 के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोले, ठीक है ना। आप इसको क्या करते हैं, आयरन क्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं, ओके, आयरन क्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें CO2 गैसियस और H2 की मिक्सचर मिलती है, ओके। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का तरीका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को चाहो तो हटा सकते हो, कैसे हटा सकते हो, सोडियम अर्सेनाइट का यूज करके। फॉर्मूला मालूम है सोडियम अर्सेनाइट का, Na3AsOC, समझ के बात को। तो CO और H2O की मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, 673 केल्विन पे आयरन क्रोमेट के साथ ट्रीट करेंगे तो CO2 और H2, ठीक है। अब आ जाइए डाइहाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। डाइहाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज में डाइहाइड्रोजन एक क्वाइट स्टेबल है, काफी स्टेबल होती है और बहुत हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट होगी, बहुत हाई टेम्परेचर पे टूटती है। मैंने बताया था ना HH बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, वैसे DD बॉन्ड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी HH बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसको यदि आपको एटमिक हाइड्रोजन में तोड़ना है 2000 केल्विन से ऊपर की टेम्परेचर डालनी पड़ेगी आपको, ओके, 2000 केल्विन से ऊपर की टेम्परेचर, ओके। देखिए हैलोजन्स के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन यदि फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन अंधेरे में भी हो सकता है, काफी फास्ट रिएक्शन होती है जहां पे HF बनता है, ओके, जहां पे HF बनती है। पर वहीं क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको सनलाइट चाहिए, तब जाके HCl मिलता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन दिमाग में आ गया ना, हाइड्रोजन HH बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरी हैलोजन के साथ रिएक्शन, फ्लोरीन के साथ फास्ट रिएक्शन होती है, क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन के लिए आपको सनलाइट चाहिए। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन जिसको हम लोग हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, और हेबर्स प्रोसेस आप लोग डिटेल्स में तो पढ़ ही रहे हो इक्विलिब्रियम में, तो N2+H2, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मोलिब्डेनियम कैटलिस्ट अमोनिया मिलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स -92.6 किलोजूल पर मोल की एनर्जी निकलती है। डाइहाइड्रोजन देखो यदि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। आपको दिमाग में रखना कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज पर IUPAC 2.2 है और एस ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस होती है। तो ये जानना कि हाइड्रोजन के एडिशन को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, बट इस केस में क्या होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट को ऑक्सीडाइज होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जैसे NaH हो गई, कैल्शियम हाइड्राइड हो गई, ओके। मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शंस ध्यान से देखिएगा, मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन, हाइड्रोजन को यदि रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग नेचर चेक करेंगे। देखो पैलेडियम की एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पैलेडियम क्या है, आयनिक स्टेट में। अब भैया पैलेडियम को क्या बना दिया, पैलेडियम 2+ को पैलेडियम बना दिया, मतलब पैलेडियम 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन का गेन क्या बोलता है, रिडक्शन बोलता है। तो इसके पास रिड्यूसिंग नेचर होती है जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जा सकता है। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड से भी ये ऑक्सीजन निकालने का टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीजन निकालना तो रिडक्शन होता है ना बेटा, देखो मेटल को रिड्यूस कर दिया। जैसे कि देखो हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड के साथ पास कर दिया, तो कॉपर बाहर और वाटर, लेड बाहर और वाटर, समझ रहे, ओके। डाइहाइड्रोजन के यूजेस पे आ जाया जाए तो देखो सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन क्या होता है, अमोनिया बनाने में, ओके, नाइट्रिक एसिड बनाने में, ओके,
और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाने में, क्योंकि आप देखो क्या होता है, अमोनिया बनता है, अब अमोनिया से ही नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हम लोग बनाते हैं। डाइहाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है वनस्पति वनस्पति जो होता है डालडास इत्यादि वो सब बनाने में। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स पर्टिकुलरली मिथेनॉल हम लोग देखे ही ना पीछे, तो ये सारे चीज को देखेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट पोर्शन है हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन लगते हैं। ओके, एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन लगेंगे। हाइड्रोजन बोले तो डाइहाइड्रोजन मतलब H2 गैस की बात कर रहे हैं। H2 कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन में कंबाइन करते हैं नियरली लगभग सारे एलिमेंट से नोबल गैस को छोड़ते हैं। डाइहाइड्रोजन नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस में, मतलब नॉर्मल नहीं, कुछ 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 अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस आपको करने पड़ेंगे, तो वहां पे डाइहाइड्रोजन अक्सर एलिमेंट से कंबाइन करता है और नोबल गैस को छोड़ते हैं। नोबल गैस तो ऐसे भी जल्दी कंबाइन करने की कोशिश नहीं करती है। ओके, तो तीन टाइप की हाइड्राइड्स बनती है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, आयनिक या सेलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सेकेंड इज द कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। थर्ड इज द मेटेलिक या नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड, ये दिमाग में रखना है। ओके, तो तीन टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, आयनिक या सेलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मेटेलिक या नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड। चलिए इन तीनों हाइड्राइड्स को देखते हैं। आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड जो होते हैं वो स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। स्टोचियोमेट्रिक मतलब एक फॉर्मूला फिक्स्ड होता है, जैसे क्या होता है देखो NaH 1:1 रेशियो में कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, MgH2, ओके 1:1 रेशियो में कंबाइन हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोजन जो ये कंबाइन करती है नॉर्मली एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये नॉर्मली जो होती है स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड बनाती है, जिसकी एक डेफिनेट फॉर्मूला होती है और कैरेक्टर आयनिक होता है। बट कुछ केसेस ऐसे केसेस हैं भी जहां पे लिथियम हाइड्राइड है, बेरिलियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, इन सब में कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आयनिक हाइड्राइड में तो ठीक है आयनिक कैरेक्टर रहनी चाहिए भैया, बट कौन से हैं ये लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड में आपके कौन से कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। We will come to the next covalent or molecular highlight. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, एक बार इस लेक्चर को देख लोगे ना काफी काफी। कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ध्यान से देखना, नाम से ही ना समझ आ रही है। कोवेलेंट बॉन्ड, आप कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं मुझे बताना, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स बनाते हैं। ओके, नॉन मेटल्स बनाते हैं। रुको एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोग, रुक जाओ बाद में दिखाऊंगा। चलो अभी ये देखते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ अक्सर जो कॉम्बिनेशन होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब जैसे कि आप जानते हो मिथेन है यार, CH4, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, ठीक है ना, नीचे होगा NH3, H2O, HF, ये सब जो है क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना। आपको ये भी मालूम है कि यार मतलब हाइड्रोजन जब कोई भी नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता वो तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स माना मेटल्स भी है यहाँ पे, बट अक्सर तो नॉन मेटल्स हैं। तो देखो अब कोवेलेंट में भी तीन टाइप ऑफ हाइड्राइड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, डेफिशियंट सब समझ आ रहा है बेटा आपको, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ओके, जैसे कि आप लोग पढ़ोगे जब बोरोन फैमिली हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक डाइबोरेन आएगी B2H6। अभी छोड़ो स्ट्रक्चर जान के इसका कोई फायदा नहीं है, देखेंगे जब बोरोन फैमिली देखेंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन में क्या होती है, मतलब जैसे कि ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए ना, तो वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, BH3 ऐसे BH3 ऐसे जुड़े रहते आपस में, तो डाइबोरेन में जो होती है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे ना तो
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जितनी होनी चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज दूसरा टाइप ऑफ कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। प्रिसाइज शब्द का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जितना होना चाहिए उतना है। जैसे कि मीथेन, देखो मीथेन जो बना, तो जब मीथेन बना तो चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, बनाया ना भाई, तो मतलब चार के साथ बनाया तो फोटो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट है, जितनी चाहिए उतनी है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जितना रहना चाहिए। बताओ कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? अरे अमोनिया यार, अमोनिया देखो, अमोनिया का, अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया बना आपको, ओके एक है ना, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ओके समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, जैसे कि वाटर देख लो, वाटर में भी क्या रहता है, दो लोन पेयर रहते हैं, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, मतलब इसको बॉन्डिंग में उन इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बॉन्डिंग में वो इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं है, लोन पेयर है एक्स्ट्रा इनके पास, ओके समझ गए? तो देखो एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाएगी कभी कभी, ये जो ग्रुप 15 है उसमें कौन कौन ग्रुप बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, तो ग्रुप 15 में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ग्रुप 16 में दो इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके ग्रुप 17 में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर, HF बनता है, ओके HF, तो इसके पास कितने हैं, देखो दो दो चार दो छह और एक साथ यहाँ लगाता है ना और एक आठ पूरा हो जाता है, तो तीन लोन पेयर है यहाँ पे, तीन लोन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ओके चलिए। अब आते हैं मेटेलिक या नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड, मेटेलिक या नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टोचियोमेट्रिक देखो मतलब ऑब्वियसली कौन सी लॉ नहीं फॉलो होगी, जोसेफ क्राउस ने दिया था ना लॉ ऑफ डेफिनेट सॉरी कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ना, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन नहीं वैलिड है यहाँ पे, क्योंकि नॉन स्टोचियोमेट्रिक है। जोसेफ क्राउस ने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन जो भी हो गई एक पर्टिकुलर रेशियो में फिक्स्ड रहे, है ना। देखो जैसे कि क्या है, लैंथेनम हाइड्राइड जो बनती है LaH2.87, याट्रिबियम H2.5, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.5 और 1.8 के बीच में रहेगी, जिरकोनियम तुम्हारा जो हाइड्राइड बनाता है, वेनेडियम बनाता है, निकल बनाता है, पैलेडियम बनाती है, ये सब हाइड्राइड जो होती है, देख रहे हैं फॉर्मूला PDH 0.6 और 0.8 के बीच में, देखो ये थोड़ा ऊपर चला गया बट नीचे रहनी चाहिए, फॉर्मूला नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं 2.87, तो देख रहे हैं स्टोचियोमेट्री नहीं है, 1:2, 2.87 क्या है, समझ रहे बात। तो आप देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, देखो ये मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन तो ये लोग पूछते हैं और ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डेफिनेट मार्क्स रहते हैं, आपकी रिवीजन परफेक्ट रहती है। तो कौन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, मेटेलिक या नॉन स्टोचियोमेट्रिक हैलाइड्स सॉरी हाइड्राइड्स कौन बनाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे। ग्रुप 7, ग्रुप 8 और ग्रुप 9 एलिमेंट नहीं बनाते हैं। ग्रुप 6 में भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रुप 6 में कौन से एलिमेंट बनाती है हाइड्राइड, तीन ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज रहेगा, तो आप तो मार दोगे ऑल ऑफ दीज वहां पे, तो ध्यान देना ग्रुप 16 में सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम बनाती है, ओके सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम बनाती है, ओके अंडरस्टूड। अब ये जो मेटेलिक या नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना वो इंटरस्टीशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करती है। अच्छा इंटरस्टीशियल साइट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या है इंटरस्टीशियल, आप लोग ने पढ़ा है ना, देखो क्या होता है, क्या बताऊँ आपको, जैसे कि सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं ना यार, सॉलिड स्टेट तो है एग्जाम्पल सबसे अच्छा, क्या होता है कि मान लो ये खाली जगह है इंटरस्टीशियल स्पेस है, अब यहाँ पे आके हाइड्रोजन चिपक गया, ओके तो हाइड्रोजन क्या करती है इंटरस्टीशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करती है, ओके कहाँ ऑक्यूपाई करती है, इंटरस्टीशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करती है, ओके मेटल लैटिस पर जो ऑक्यूपाई करता है, तो मेटल की लैटिस मतलब अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता, बट हाँ रिसेंट स्टडीज क्या शो करता है, एक्सेप्ट हाइड्राइड्स ऑफ निकल पैलेडियम और सेरम और एक्टिनियम, इनको छोड़ के
इंटरस्टीशियल साइट्स पे जहां हाइड्रोजन जाता है, ओके, उसकी लैटिस थोड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम पेरेंट एटम से। समझ गए? गॉट इट? देखो, आपको दिमाग में रखनी है हाइड्राइड्स कौन कौन से हो गए, आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स पढ़ लिया हम लोगों ने, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मेटेलिक या नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। ओके, क्लियर? तो अब आते हैं वाटर में। वाटर क्या है? मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी में कहीं ना कहीं 65% तक वाटर होती है ना, और कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिसमें 95% तक वाटर होती है। और आपको मालूम है इसकी सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी चीज है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हो, है ना। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। तो इसकी यदि ज्योमेट्री की बात की जाए बच्चा, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होता है। ओके, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है इसकी, चार इलेक्ट्रॉन पेयर। बट शेप, शेप में आपको मालूम है कि हम लोग लोन पेयर को नहीं लेंगे, तो शेप इसकी वी शेप या बेंड शेप बोलते हैं। ठीक है, समझ गया? अब देखो, आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस एक यूनिक स्ट्रक्चर है, जो जिसमें खाली जगह होती है, एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। ओके, डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है? वाटर पे आइस फ्लोट करता है। इसकी काफी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, आपको मालूम है। आ जाओ एम्फोट्रिक नेचर में। देखो, आपको मालूम है वाटर की एम्फोट्रिक नेचर है, ये सारा आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते ही हो, कि क्या एसिड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर ये शो करता है। तो एम्फोट्रिक नेचर होती है वाटर की। रिडॉक्स रिएक्शन, वाटर के साथ काफी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। वाटर को हम लोग इजिली रिड्यूस कर सकते हैं डाइहाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। आपको मालूम है, जैसे देखो क्या, सोडियम को वाटर में डाले तो क्या मिला? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। कैल्शियम को वाटर में डाले तो क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, समझ रहे हो? देखो, ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का एडिशन, मतलब वाटर का एडिशन। ओके, अब सभी को मालूम है, आप सभी ये बात जानते हो, इस लेवल में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होती है वो क्या होती है? छोटी होती है कि बहुत बड़ी होती है? वेरी हाई। वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई होती है, जिस कारण बस इसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, मतलब किसी के साथ ये अटैच्ड हो सकता है, किसी के साथ अटैच्ड हो सकता है। ओके, किसी के साथ अटैच्ड हो सकता है। जैसे कि आप देखोगे P4O10 ओके, के साथ यदि वाटर अटैच हुआ तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, है ना। ये क्या होती है P4O10? आप जानते हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक एनहाइड्राइड। ये आप जानते हो ना, एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिडिक ऑक्साइड वो चीज होती है जिसमें पानी की अभी कमी है, पानी यदि आ गया तो वो एसिड बन जाता है। ओके, बहुत सारे आप एग्जांपल जानते हो, जैसे कि PO4O10 है, CO2 कार्बोनिक एसिड बना देगी, SO2 सल्फ्यूरस बना देगी, SO3 सल्फ्यूरिक बना देगी। तो ये सारी कहानी आपको मालूम है। अच्छा बताना, तो NO2 यदि वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन कौन से एसिड बनेंगे? कौन कौन से? HNO3 भी बनती है, HNO2 भी बनती है, ये ध्यान देना। नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड दोनों बनती है। नाइट्रिक, इसलिए तो इसको मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड बोला जाता है इसको, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लेना, मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड। देखो, SiCl4 के साथ यदि वाटर को ट्रीट करोगे बच्चा, तो SiO2 प्लस चार मॉलिक्यूल ऑफ HCl मिलेगा, SO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनती है। ओके, क्लियर? हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ध्यान से देख लें, हाइड्रेट्स फॉर्मेशन।
अब क्या होता है, कंपाउंड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तहत अटैच हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट्स। जैसे CrH2O6Cl3, FeH2O6Cl3, यहाँ पे वाटर कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरस्टीशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब उस लैटिस के बीच में एंटर करते हैं। BaCl2H2O क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि इंटरस्टीशियल साइट्स में किन किन केस में रहता है, तो बेरिलियम क्लोराइड .2H2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स जिनमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं टू सर्टेन ऑक्सीजन कंटेनिंग आयंस आल्सो। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एच बॉन्डेड रहते हैं। जैसे देखो, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चा लोग गलती कर देता है कि CuSO4.5H2O में कितने सारे एच बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है। देखो इसका यदि स्ट्रक्चर आप लोग देखते हो, बालक लोग देखो, एक CU के साथ चार वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तरह जुड़े रहते हैं। लेकिन आगे फोर वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड रहते हैं CU2+ के साथ, चार वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड रहते हैं CU2+ के साथ, और वो जो पांचवा रहता है CuSO4 ब्लू विट्रॉल में, आपका ब्लू वेट्रॉल में जो ये पांचवा वाटर मॉलिक्यूल रहता है वो क्या रहता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के तहत अटैच रहती है SO4 2-, ठीक है ना। पांचवा वाटर मॉलिक्यूल SO4 2- से अटैच रहती है, इसलिए कॉपर सल्फेट .5H2O का फॉर्मूला हम लोग CuSO4.5H2O जो लिखते हैं वो इस तरह लिखा जा सकता है। Cu है ना, 2+ आयन के साथ चार वाटर मॉलिक्यूल तो अटैच है भैया, और फिर SO4 2- के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। आ जाओ हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन परोक्साइड एक काफी इंपॉर्टेंट केमिकल। आप सभी को मालूम है हाइड्रोजन परोक्साइड एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो काफी पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज किया जाती है, साथ में इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में भी यूज किया जाता है। एफ्लुएंट्स होती है लिक्विड वेस्ट को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एफ्लुएंट्स का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मालूम है एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। आपको ये भी देखे होंगे कभी काल जो आपको चोट वोट लग जाती है तो वहां पे भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। बट रिसेंट स्टडीज जो बोलता है ना बेटा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड न्यू बॉर्न सेल्स को बहुत नुकसान करता है, तो इसलिए कहीं कहीं अब मतलब जहां जानकारी है वहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज एज अ जो एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था वो स्टॉप हो रहा है आस्ते आस्ते। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ठीक है, आप लिक्विड वेस्ट को ट्रीटमेंट करो, बट आपको जो जख्म होता है उसको ट्रीट मत करो यार, वो सही नहीं है। ठीक, समझे बात को। प्रिपरेशन, यदि प्रिपरेशन की हम बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की यदि प्रिपरेशन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन होती है बेरियम परऑक्साइड को एसिडिफाई किया जाता है। पहले देखो बेरियम परऑक्साइड BaO2.8H2O को H2SO4 के साथ हम एसिडिफाई किए तो रिएक्शन होती है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस 8H2O, और ये जो एक्सेस वाटर होती है इसको बाय एवोपरेशन हम लोग रिमूव कर देते हैं। बाय एवोपरेशन एवोपरेट करवा देते हैं। बेरियम सल्फेट तो सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है, उसको छान के निकाल दो, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल गया। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेरियम परऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे H2SO4 के साथ, और फिर एक्सेस वाटर को एवोपरेट करके निकाल दो और हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चे भूल जाते हैं इसमें देखना, रेड्यूस प्रेशर पे ये काम करना है। जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको एवोपरेट हम लोग रिड्यूस प्रेशर पे करते हैं। एसिडिफाइंग बेरियम पर ऑक्साइड,
इक्वेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखोगे अब परऑक्सो डाइसल्फेट, परऑक्सो डाइसल्फेट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। देखो एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशंस बोलो या बाइसल्फेट सॉल्यूशंस बोलो, ठीक है ना, उनकी जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको मिलता है परऑक्सो डाइसल्फेट, इट्स H2S2O8, ये जो लिखा हुआ वही है। ओके देखो हाइड्रोजन दोगो है ना, ओके सल्फर दोगो है ना H2S2, ऑक्सीजन क्या गो H2S2O8, दिस इज परऑक्सो डाइसल्फेट H2S2O8। ओके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और फिर इसकी जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है, अब इसकी जब हाइड्रोलाइसिस हम लोग करते हैं तो हम लोग को ये बाइसल्फेट जो पहले लिया था वो हमको मिल जाता है वापस, ओके, और H2O2 और 2H+। ओके समझ गए, तो कैसे सिंपल सा है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, पर ऑक्सो डाइसल्फेट जो हमको मिलती है कैसे, बाइसल्फेट या सल्फेट की जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और फिर परऑक्सो डाइसल्फेट की हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलती है। और इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों ध्यान देना, इसी मेथड की इस्तेमाल की जाती है लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में इस्तेमाल की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ D2O2। ओके D2O2, ओके K2S2O8 को D2O के साथ ट्रीट कर KDSO4 और D2O2 बनाई जाती है, ड्यूटेरियम परऑक्साइड। ओके और एक आता है कि इंडस्ट्रियली कैसे बनाई जाती है, इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देखना, ये है तो ऑर्गेनिक वाला बट इसमें यहां पे बस इतना ही जान लो, ऑटो ऑक्सीडेशन होती है 2-alkyl anthraquinols की, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है ना, तो क्योंकि बच्चे थोड़ा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ और ऑर्गेनिक से रिलेटेड है तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं, तो 2-alkyl anthraquinols को क्या करते हैं हम लोग, ऑटो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ओके इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, तो आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलती है। ओके ये ध्यान देना है, अंडरस्टूड, 2-ethyl anthraquinols को हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन ऑटो ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाइए, प्योर स्टेट में, देखो प्योर स्टेट में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक कलरलेस ही मान लो, बहुत मतलब हल्का ब्लूइश रहता है, वेरी हल्का ब्लूइश रहता है, मान लो इसको कलरलेस ही रहती है। और इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ना बेटा आपका हाईली मिजिबल है वाटर के साथ इन ऑल प्रोपोर्शन, जितना मिलाते चल जाओ उतना मिलता चल जाए, ओके, और क्योंकि ये एक हाइड्राइड बनाता है H2O2.H2O एक हाइड्राइड बनाती है, दिमाग में रखिएगा। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो 30% सॉल्यूशन होती है वो मार्केट में 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से बिकती है। देखो इसका मतलब समझ गए, 30% देखो ये तो पहले जान लो, 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मार्केट में 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से बिकती है। जैसे कि मान लीजिए एक पल के लिए कि ये एक हाइड्रोजन परऑक्साइड की, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक बॉटल बनाते चल, ओके ये मान लो एक हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक बॉटल, ठीक है ना, चलो बॉटल जैसा बना वैसा बना बट चलो थोड़ा कोशिश करते अच्छा बनाने का, ठीक है ये चलो ठीक है ठीक ठाक बन गया। तो ये मान लो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक बॉटल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक बॉटल है, मान लो ये लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम H2O2। देखो जैसे 100 वॉल्यूम H2O2 लिखा रहता है वैसे मान लो 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि आप इसका ध्यान से सुनना मेरी बात को,
यदि आप इसका 1 ml H2O2 लेते हो, 1 ml of H2O2, on decomposition आपको देगा 20 ml of oxygen, ठीक है ना? 1 ml of H2O2 on decomposition 20 ml of O2 देगा, वही मतलब है कि 20 volume H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ml H2O2 का लोगे तो आपको 20 ml ऑक्सीजन मिलेगा, समझ गए बात को? ओके, अब देखिए वही कहानी लिखी हुई है, मार्केट में जो नॉर्मली बिकता है वो 10 V सैंपल मिलता है, 10 वॉल्यूम सैंपल, जिसको हम लोग 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ओके, 3% H2O2 के नाम से मिलता है। चलिए आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड पे। देखो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होनी भी चाहिए ये कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होगी। देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना तो -1 आएगा, 0 0 मतलब ओ है तो ओ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं तो कुछ नहीं, तो -1 ही इसके पास रहेगा, इसके पास +1, इसके पास +1, ओवरऑल 0। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है ना, अक्सर कंपाउंड में -2 होती है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं आती है, बच्चों दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है वो एक प्लेन में नहीं आएगी, इट्स अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, इट्स अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ओके, समझिए बात को, इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब देखो जो मॉलिक्यूलर डायमेंशन है इसकी गैसियस फेज में और सॉलिड फेज में, एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा से दिखाया है, बड़ा अच्छा से, गैस फेज और सॉलिड फेज में देखिएगा क्या है। पहला वाला जो गैस फेज में है आप देख रहे हो, ओके, गॉट इट, ये वाला गैस फेज में ओपन बुक स्ट्रक्चर, जानते हो ना ओपन बुक स्ट्रक्चर वैसा कुछ है। ये वाला देखो, ये वाला एंगल, इसको डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, यदि गैसियस फेज में है तो डाइहेड्रल एंगल 111.5 है, ओके, वहीं आप सॉलिड फेज में 90.2 होती है, 110 केल्विन की बात हो रही है, 110 केल्विन पे यदि सॉलिड फेज में है तो 90.2। तो बस आपको दिमाग में रखना है स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की होती है इट्स अ ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओके। और डायहेड्रल एंगल गैस फेज में थोड़ा ज्यादा होता है आपको दिमाग, ठीक है ना, सॉलिड फेज में थोड़ी कम रहेगी, ओके। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, ये भी थोड़ा वेरी करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ भी थोड़ा वेरी करता है, दिमाग रखिएगा, ओके, समझ गया। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में तो ये सारे रिडॉक्स की कहानी है जो आप लोग पढ़े हुए हो रिडॉक्स में, बट हाँ ये सारे चीजों को आपको सॉल्व करना है, ये सब चीजों को सॉल्व करना जरूरी है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। देखो बच्चों ध्यान में रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है इन एसिडिक और एल्कलीन मीडियम, ओके। कुछ सिंपल रिएक्शंस नीचे दिए हुए हैं और आपको मैं बोलूंगा आप एज एनसीईआरटी की ये वाली चीजों को डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करना है। क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस है एसिडिक मीडियम में, देखो Fe2+ ion है, देखो Fe3+ हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी ना, 2 से 3 हो गई तो ऑक्सीडाइज किया कि, तो Fe2+ ion को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर देती है Fe3+, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो PbS को भी सल्फर को किया है ना -2 से ऑक्सीडाइज करके, कितने में ले आया +6 है ना, कितनी हो जाएगी -8 और ये +2, ओके, तो कितने हो गया -6 = 0, तो +6 ऑक्सीडाइज किया ना, ओके। ठीक उसी प्रकार रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम आपको देखना है मैंगनीज, जो मैंगनेट आयन होते हैं है ना, सॉरी पर मैग्नेट आयन होते हैं, KMnO4- पर मैग्नेट आयन होती है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है ना, -8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +7, +7 से +2, आपको ध्यान देना है, रिड्यूसिंग एक्शंस भी होती है।
इन सारों को देखो एक बार लिख लिख के, जितने ऑक्सीडेशन स्टेट है सारे लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम भी होता है, देखो बेसिक मीडियम में भी Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ बना दिया, बेसिक मीडियम Mn2+ को Mn4+ में कर दिया। रिड्यूसिंग एक्शन भी है, देखो आयोडीन को क्या, I2 को क्या कर दिया है, माइनस वन में ले आया, ऑक्सीडेशन नंबर घटा दिया। यहाँ पे क्या है, प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट से कितना प्लस फोर में ले आया रिड्यूसिंग में। ओके स्टोरेज, देखो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत अच्छी चीज है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज ग्रेट, बट ये क्यों नहीं यूज किया जा पा रहा है एज ऑफ इट्स स्टोरेज टेंडेंसी। इसकी स्टोरेज की सबसे बड़ी इश्यू है बेटा, सबसे बड़ी इसकी स्टोरेज की इशू, जिस कंटेनर में स्टोर करोगे आग लग जाता है उस कंटेनर। तो इसकी एक्सप्लोसिव नेचर के वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम लोग नहीं यूज कर पा रहे अच्छे से। ओके अब देखिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है ना डिकॉम्पोज करती है स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। आप देखो आपने पढ़ा हुआ है ना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर ऑक्सीजन में टूट जाता है, और प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस, यदि हल्के फुल्के मतलब जैसे शीशा मतलब ग्लास के कंटेनर में रख दी, ग्लास के कंटेनर मानो मैंने रख दिया तो होगा क्या, ग्लास में तो मेटल के ट्रेसेस रहते हैं ना, एल्कली मेटल के ट्रेसेस रहते हैं, और एल्कली मेटल का ट्रेसेस क्या करेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन को और कैटेलाइज कर देता है, और ज्यादा तेजी से होने लगती है डिकम्पोजिशन। इसलिए क्या करते हैं हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करेंगे, ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसमें के अंदर में क्या होता है, ओके ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे मोम की कोटिंग कर देंगे, अंदर में मोम लगा देंगे चारों ओर से। ओके चारों ओर से मोम लगा देंगे, तो मोम लगा देंगे तो उसमें रखने से क्या होता है वो फिर ग्लास के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और ग्लास के कांटेक्ट में यदि नहीं आता है तो फिर डिकम्पोज नहीं होगा, एल्कली मेटल्स उसको कैटेलाइज नहीं कर पाएगी, टच नहीं होगा ना। बट ये सब लफड़ा से बचने का सबसे आसान तरीका है क्या बेटा मालूम, प्लास्टिक के डब्बे में रख दो और अंधेरे में रख दो। ओके आप लोग देखोगे हाइड्रोजन परऑक्साइड अक्सर या तो प्लास्टिक के बोतल में रखा रहता है या तो कलर्ड बोतल में रहता, कलर्ड बोतल में भी रखने का रीजन है कि डिकम्पोज नहीं होगा, समझिए बात को। अब देखो यूरिया ऐड कर सकते हो आप, यूरिया मालूम है ना फॉर्मूला क्या होती है, NH2CO NH2, यूरिया ऐड करने से स्टेबिलाईज हो जाती है, यूरिया यदि ऐड कर दोगे ना तो उसकी जो डिकम्पोजिशन की रेट है ना वो स्टेबिलाईज हो जाएगी, इसको डस्ट से दूर रखना पड़ता है, धूल धक्कर इत्यादि से दूर रखना है। ओके एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन होती है इस कंपाउंड के, दिमाग में रखना, धूल धक्कर में रखोगे तो एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन होती है। अब डाइहाइड्रोजन के बारे में मैं अभी बता रहा था आपको कि डाइहाइड्रोजन एक एक्सेलेंट फ्यूल है, इट्स अ वेरी एक्सेलेंट फ्यूल, क्योंकि डाइहाइड्रोजन का मतलब अभी रिसर्च भी चल रहा है, हाइड्रोजन कार्स आने वाले हैं, रिसर्च चल रहा है इन सब में। तो डाइहाइड्रोजन की कहानी सुनो, डाइहाइड्रोजन रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबशन, यदि उसको जलाओगे तो बहुत हीट निकलता है। ओके यदि आप डाटा कंपेयर करो, देखो ध्यान से देखना, पर मोल में बात कर रहा हूं ठीक है ना, एक मोल डाइहाइड्रोजन गैसियस में लेते हैं तो 286, डाइहाइड्रोजन लिक्विड में लेते हो तो 285, एलपीजी 2220। अब बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा एलपीजी का, आप क्या हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, तो बेटा ये डाटा पर मोल का है, तो कोई भी जब स्टोर करते हो तो कितना भारी है वो डिपेंड करता है, पर ग्राम यदि चेक करो बेटा तो डाइहाइड्रोजन 143 और ये आपका मात्र 50 है ना, 143 किलो जूल प्रति मोल, और ये 143 किलो जूल पर ग्राम, और ये तो मात्र 50 दे रहा है एलपीजी, मीथेन जैसी गैस
53, ऑक्टेन 47 पर लीटर 12। अब ये लीटर उटर में नहीं है, आप ग्राम में देखो, मास पे देखना। तो डाइहाइड्रोजन एक परफेक्ट फ्यूल है, बट इसकी स्टोरेज की इश्यू खत्म हो जाए बस कहानी। तो हाइड्रोजन चैप्टर का यही कुछ बेसिक पार्ट था आप लोगों के लिए, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, जो सारे इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और क्या इस चैप्टर में आगे कुछ तो है नहीं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर टुडे। ओके, हाइड्रोजन चैप्टर के ये जितने पार्ट आपके साथ डिस्कस किया उनको अच्छे से पढ़ लेना। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।